स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग क्लास टेंथ की मैथ सीखने वाले हैं और ये आपके लिए एक क्रैश कोर्स होगा। अब आप सोचेंगे क्रैश कोर्स कैसे है, इतनी जल्दी क्रैश कोर्स कैसे आ गया, तो हम आपको बताते हैं एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा लेसन सीखने वाले हैं। रियल नंबर बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आज इस वीडियो को तब तक आप बंद नहीं करेंगे जब तक आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो बनाई गई है, लगातार मैं भी आपको बोलूँगा और इस चैप्टर को समझाऊँगा। इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं हम पहले क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे रियल नंबर की, कि क्या क्या थ्योरी है, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर होते क्या हैं, तो हम आपको बता दें जितने भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए जो आप टेंथ में जितने नंबर पढ़ रहे हैं वो रियल होते हैं, क्योंकि जब आप क्लास इलेवेंथ में जाएंगे तो आपको एक टाइप के नंबर पढ़ने मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन नंबरों में इमेजनरी पार्ट होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी रियल नंबर हैं। रेशनल नंबर भी रियल हैं, इंटीजर भी रियल हैं, होल भी रियल हैं, और नेचुरल भी रियल हैं। स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब स्टूडेंट जो नेचर ने बनाया, जो गॉड ने बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के आने के बाद कुछ समय बाद आर्यभट्ट जी ने जीरो बनाया, तो उन्हें लगा कि जीरो क्या था, नहीं था नंबरों में, अब नंबर कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोल दिया गया कि अब नंबर होल हो गए हैं। तो नंबर क्या हो गए, होल हो गए। आप देख रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सभी नेचुरल नंबर होल हैं, हैं कि नहीं। होल नंबर, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, होल हैं। और जो होल नंबर हैं वो सब किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं। अब आप देखिए इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, जो भी नेचुरल नंबर हैं, उन्हें हम अगर निगेटिव साइन के साथ चेक करें तो वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, समझ में आ रहा। उसके बाद जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन हैं वो है रेशनल और इरेशनल के, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंसर टर्मिनेटिव हो, नहीं तो रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, कैसे होते हैं, ये इस टाइप के नंबर, ये क्या हैं, ये इरेशनल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखिए जितने भी इंटीजर हैं सभी रियल हैं, जितने भी रेशनल हैं सभी रियल हैं, जितने भी होल हैं सभी रियल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी रियल नंबर हैं। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स बनाया गया है पूरा, ठीक है, ये किस तरीके का, जिसमें ये वाइट सर्किल ऐसे दिख रहा है आपको, ये बॉक्स इसके अंदर क्या है, रियल ही नंबर रहने वाले हैं। नंबर इमेजिनरी होते हैं और रियल होते हैं, ये सभी नंबर कहते हैं रियल नंबर हैं, ठीक है। हम आगे टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे हम आपको ये बताएंगे कि टॉपिक टू बी कवर्ड, कितने पॉइंट्स में, कितने टॉपिक्स में चैप्टर को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सेकंड हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, सेकंड क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, नेक्स्ट होगा हम लोगों का रिविस्किंग रेशनल नंबर, और लास्ट होगा रिविस्किंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो पहला है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर हमने आपको बता दिए, होल नंबर क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी क्या हैं, रियल हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी क्या हैं, रियल हैं। जितने भी नेचुरल हैं वो भी, इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। तो ये सभी नंबर क्या हैं, ये सभी नंबर रियल होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है, रियल बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का है क्या है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम क्या है। देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया गया ए, क्या दे दिया गया आपको, कोई एक नंबर दे दिया गया ए, उस नंबर को आप क्या करेंगे, बी के टर्म में लिख दें। किस टर्म में लिख दें, बी के टर्म में लिख दें, उसे बोला जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब देखिए इसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं। अ ट्रेडर वाज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स, ठीक है, वो क्या कर रहा था, एग्स सेल कर रहा था, ठीक है। अनदर पर्सन पुल्ड द बास्केट विथ एग्स एंड डैश इन द फ्लोर द एग्स ब्रोक, और दूसरा क्या था, एक कोई आदमी था पागल टाइप का था, उसने क्या किया, उसके सारे एग्स को तोड़ दिए, फ्लोर फर्श पर गिर गए और सारे क्या हो गए,
टूट गए। ठीक, द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द इडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग। तो वो क्या करता है, पंचायत से इस चीज़ की मांग करता है। ठीक है, पंचायत क्या है, एक तरीके से जैसे जज होता है उसी तरीके छोटे छोटे विलेज में क्या होती है, पंचायत होती है जो डिसीजन लेती है, टेक प्लेस करती है डिसीजन। ठीक है, तो वो इस चीज़ की मांग करता है कि हमें इसके पैसे दिए जाएँ। ठीक है, द ट्रेडर हाउ मैनी एग्स वर ब्रोकन, द पंचायत अस्क, तो उससे पंचायत पूछती है कि भैया आपके पास कितने एग थे। तो देखिए वो किस तरीके से आंसर देता है, ही गिव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, इफ काउंटेड इन पेयर। वो क्या कहता है, अगर पेयर में काउंट करोगे ठीक है तो वन विल रिमेन। वो डायरेक्ट आंसर नहीं बताता, कहता अगर पेयर में काउंट करोगे तो एक बचा। ठीक है, अगर किसने काउंट करोगे, थ्री पेयर में, मतलब तीन तरीके से अगर काउंट करोगे, मतलब तीन को एक मानोगे, इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, कितने रिमेन बचेंगे, टू। अगर फोर काउंट करोगे तो थ्री बचेंगे, फाइव करोगे तो फोर, सिक्स में फाइव। ठीक है, इफ काउंटेड इन सेवन, अगर सेवन में काउंट करोगे देन नथिंग विल रिमेन, तो कोई भी रिमेन नहीं बचेगा। माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150, और उसने बोला कि 150 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, 150 से। तो देखिए हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला ए क्या है, ए एक्स, हमने बोला अगर सेवन के टर्म में बात करते हैं, सेवन टाइम्स हम बोलते हैं तो उसको क्या था, जीरो, क्या आएगा, जीरो। अगर सिक्स टाइम समथिंग बोलते हैं तब कितने बचने चाहिए, फाइव। अगर फाइव टाइम समथिंग बोलते हैं तो फोर बचने चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि जो एक्स थे वो फोर टाइम्स थे तो कितने बचने चाहिए, थ्री। अगर थ्री के टर्म में बोलते हैं तो टू, अगर टू के टर्म में बोलते हैं तो कितने बचने चाहिए, वन बचने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है कि सेवन के मल्टीपल्स में अगर हैं ठीक है तो जीरो है, सिक्स के मल्टीपल्स में है तो क्या है, फाइव। ठीक, हम इसी तरीके से अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इस तरीके से 150 के नज़दीक 119 आ रहा है, 119 एक ऐसा नंबर आ रहा है कि जिसे हम 7 से अगर डिवाइड कर देंगे, 7 के मल्टीपल में चेक करेंगे। ठीक, अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 717 4 आया, 7 × 7 ठीक है कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 × 7 199। ठीक, तो ये 199 ऐसा नंबर आ रहा है कि 6 में काउंट करने पर 5 रिमेनिंग बचेंगे, 5 में काउंट करने पर 4 रिमेनिंग बचेंगे, 4 में काउंट करने पर 3 रिमेनिंग बचेंगे, और 3 में काउंट करने पर 2 रिमेनिंग बचेंगे, और 2 में काउंट करेंगे तो आप बताइए 118 अलग हो गया, 118 अलग हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना, और एक अलग बच जाएगा। ठीक है, दैट इज़ फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी हैव फाउंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 7, 6, 5, 4, 3 ये सब क्या है, ये बी है, और जो बचता है वो क्या है, आर है। ठीक है, और रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, बी से स्मॉल होगा, तो इसलिए इसका हम एक जनरल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए से बी के बीच में होगी, जीरो से बी के बीच में होगी। ठीक है, ए और आर कैन आल्सो बी जीरो, वो जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपको याद रखना है कि कोई अगर एक टर्म, फाइनली आप क्या याद रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, कोई अगर एक टर्म ए है ठीक है तो आप उसे बी के टर्म में लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं, और जो आर की वैल्यू होगी वो जीरो और बी के बिटवीन में होगी, बी से कम होगी और जीरो से ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है आपको, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपसे क्या बताया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आर क्या होता है, बी से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ये बातें, टू ऑप्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बी एंड सी विथ सी ग्रेटर देन डी, क्या करना है, अगर एचसीएफ पता करना है तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी। अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एचसीएफ भी पता कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखिए कैसे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। क्यू एंड आर हम यहाँ से पता कर सकते हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो हो गया तो डी क्या हो जाएगा, एचसीएफ।
किसका, सी एंड डी का। अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो के इक्वल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बात करें अगर फंडामेंटल थ्योरम की, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है अरिथमेटिक्स की। ठीक है, तो देखिए जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, हम उसे किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 28 बोला गया, 28 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 × 7 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 28 को, 2 × 2 × 7, तो ये किस में चेंज कर दिया, प्राइम फैक्टर में। 40 को किस में चेंज कर दिया, 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, तो ये भी प्राइम में हमने चेंज कर दिया। 1771 को चेंज कर सकते हैं, 13 को चेंज कर दिया, 98 को चेंज कर दिया, 5313 को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में वो अकर करता है, और उसे हम उस फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी और एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इनटू बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है कि अगर दो नंबर हैं ए एंड बी, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और बी के एचसीएफ और ए और बी के एलसीएम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ के इक्वल होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से बस समझना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए एंड बी का एलसीएम और एचसीएफ को इक्वल मल्टीप्लाई कर दें और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, इक्वल ही आता है। देखिए इसके बाद क्या आता है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आपको एक थ्योरम याद रखना है, अगर देखिए जैसे हमने आपसे बताया कि 4² 2 से डिविजिबल है, 4² क्या है, 2 से डिविजिबल है, देन 4 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी एक कांस्टेंट नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होता है, उससे डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको छोटी सी यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई रेशनल नंबर है उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। रिपीटिंग है तो भी वो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। रिपीटिंग है तो भी वो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। समझ में आ रहा, और अगर टर्मिनेट कर गया तो भी वो नंबर रेशनल होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि किसी नंबर को हम देख कर ही कैसे बता देंगे भैया तुम टर्मिनेटिंग हो, देख के बताना है, वो दूर से खड़ा है वो आपको बताना है कैसा है नंबर। तो देखिए कभी अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2n और 5m टाइप के फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो नंबर, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वो किस टाइप का एक नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए लेट एक्स डैश बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ द फॉर्म 2n, 5m, वेयर एन एंड एम आर नॉन निगेटिव इंटीजर। तो उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ 2 हो। देखिए यहाँ पर n और m है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, n 0 भी हो सकता है, ठीक है, m भी 0 हो सकता है, इसकी मीनिंग सिर्फ 5 भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, और ये भी कंडीशन है कि दोनों भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जैसे हमने आपसे बोल दिया 1/10 तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है और 5 भी है। हमने आपसे बोल दिया 1/4 ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है,
सिर्फ टू है, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, सिर्फ टू था, ठीक है। तो ये एक टाइप की थ्योरम है जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू की पावर एन फाइव की पावर एम वेयर एन एम एम आर नॉन निगेटिव इंटीजर देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। देखिए यहाँ पर वही थ्योरम क्या कर दिया गया, थोड़ा फॉर्म चेंज करके आपसे बता दिया गया है अपोजिट तरीके से, कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो q क्या होगा, निश्चित रूप से q में क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है। देखिए थर्ड में क्या बताया गया, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म p की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m, वेयर n, m आर नॉन निगेटिव इंटीजर देन x एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉट। देखिए थर्ड में भी क्या बात वही बताई जा रही, बस आपको सब में क्या है, अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोला जा रहा है, ठीक है। तीनों में बात एक ही बताई गई है, बस क्या है, तरीका अलग है। देखिए क्या कैसे, ध्यान से समझिएगा, पहले पार्ट में आपसे बताया गया कि कोई नंबर अगर एक्स है वो रेशनल नंबर तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n, 5 की पावर m के फॉर्म में हो। इसकी मीनिंग ये है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ हो या 5 की पावर में कुछ हो या दोनों हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये बताई गई कि कोई p बाई q के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो q है वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होगा। तीसरी बात आपसे ये बताई गई कि अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है, ठीक है, और उसमें जो q है, ठीक है, क्या बताया गया, जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पर इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाते रहेंगे। जैसे एक ही वीडियो में आज आपको वीडियो मिला है कि एक ही वीडियो में पूरा रियल नंबर, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में पूरे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है आपसे, यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज़ करके आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट, एचसीएफ बताना है यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज़ करके। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, 135 और 225, सबसे पहला क्या बोला गया है, 135 और 225, तो यहाँ पर 135 छोटा है ना, तो 225 को 135 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर, हमने क्या किया, 135 से डिवाइड मार दिया, 225 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 ना, आप ऐड करेंगे तो 225 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जब तक जीरो नहीं आएगा, जहाँ पर 90 आया है जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न यूज़ करते रहेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए हमने 135 को लिख दिया 90 प्लस 45, लेकिन अभी भी 45 आ रहा है, जीरो नहीं, हमने फिर से लिख दिया 90 को लिख दिया 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, 45 इंटू 2, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। जैसे ही रिमाइंडर जीरो, प्रोसेस को आप तुरंत क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, समझ में आ रहा है, प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और 135 और 225 का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 45, क्या आ जाएगा एचसीएफ यहाँ पर, 45 आ जाएगा, समझ में आया, क्योंकि 45 की वाले ही स्टेप पर, इसी स्टेप पर क्या हुआ है, प्रोसेस स्टॉप हुआ है, रिमाइंडर जीरो आया, ठीक है। जो छोटा होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपोजिट, जो बड़ा है उसे क्या करेंगे, छोटे के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे ना। 225 को आप क्या कर सकते हैं, छोटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब भाई 2 को आप 4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, हमने आपको बोल दिया 2 इसे 4 के फॉर्म में लिखो, नहीं लिख सकते, लेकिन 4 को लिखा जा सकता है, क्या, 2 इंटू 2। तो आपको ये याद रहे कि हमेशा बड़े को क्या करेंगे, छोटे के फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 196 एंड 38,220, क्या बोला गया है, 196 एंड 38,220 बोला गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि कौन यहाँ पर लेस देन है,
196 लेस देन है, तो 38,220 को 196 के टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 196 इंटू 195 प्लस जीरो, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोसेस स्टॉप हो गई। प्रोसेस स्टॉप कैसे हुई, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यहाँ पर SCF क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 196। इसी तरीके से अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें 867 एंड 255 में लेस देन कौन है 255, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 867 को किसके टर्म में लिखेंगे 255 के। आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिख देते हैं भाई, कुछ नहीं करना, 255 से डिवाइड मार दो 867 को, क्या कर दो, डिवाइड मार दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, लेकिन यहाँ पर 102 आ गया भाई, जीरो आना चाहिए था, तो हमने फिर से क्या कर दिया 255 को फिर से लिखा 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहाँ पर क्या आ गया 51 आ गया, तो हम इसे क्या करते हैं, ये जो 102 था इसे फिर से लिख देते हैं 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब जीरो आया, और जैसे ही जीरो आएगा हम प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जीरो आने पर क्या कर देंगे, हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर जीरो आ गया, हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, HCF कितना आ जाएगा हम लोगों का 51, कितना आ जाएगा HCF यहाँ पर 51, ठीक है। आप देख पा रहे हैं HCF कितना आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में तीन ही पार्ट थे, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, डिजिट भले ही चेंज हो लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है स्टूडेंट। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव आर्ड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अब देखिए इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप करेंगे, कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। तो क्या कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को क्या बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर हमने बोल दिया, ठीक है। क्या किया कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी की वैल्यू हमने 6 ले ली, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 6 ही है। देख लीजिए आप, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है 6, ये क्या है 6 है बी की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर मान लिया क्योंकि ए तो हम जानते ही नहीं, और बी की वैल्यू को क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू को क्या कर दिया हमने 6 कर दिया, ठीक है, बी की वैल्यू को हमने 6 कर दिया। अगर ए हमने ऐसे ही कुछ माना है, बी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर आर क्या होगा, आर क्या होगा लेस देन 6 और 0 से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर ए क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, ए हो सकता है 6Q, ए हो सकता है 6Q+1, 6Q+2 हो सकता है, 6Q+3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6Q+6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि R क्या है लेस देन 6 ही है, ठीक, यही आपने देखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। 6Q+1, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5 हो सकता है, ये इतने हो सकते हैं कि नहीं, आप बताइए अगर कोई डाउट हो तो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए 6Q क्या है, ये तो 2m के फॉर्म में है, तो ये तो इवेन है भाई, ये भी 2 के मल्टीपल में है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q+1, ये भी इवेन हो गया, ये भी चला गया, ये भी इवेन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। बचा क्या क्या स्टूडेंट, 6Q+1 बचा हुआ है, 6Q+3 बचा हुआ है, और 6Q+5 बचा हुआ है, ये बचे हुए हैं कि नहीं, मतलब ये जो बचे हुए हैं यही क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि ये बचे हैं इसलिए ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। इवन वाले निकल गए तो बचा क्या ऑड, ठीक है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, मैथ हमें प्रूफ करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 6Q+1 को क्या लिख सकते हैं, 2 times 3Q+1, 3Q को हम कोई एक इंटीजर बोल देते हैं, T1 बोल दिया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 2 times T1+1 आ गया। 6Q+3 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 कॉमन कर दें अलग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6Q+2+1, यहाँ पर फिर से 2 कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा 3Q+1 आ जाएगा, समझ में आ रहा, 3Q+1 क्या है, कोई इंटीजर है, तो ये 2T+1 आ गया, ये फिर से ऑड वाले फॉर्म में आ रहा, भाई ऑड ही का तो फॉर्म है 2m+1, m की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये 2m+1 या 2t+1, 2k+1 ये ऑड का ही फॉर्म है ना, 6k+5 ये भी ऑड का ही फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग
फाइनल डिसीजन पर बोल सकते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 आर ऑफ द फॉर्म 2k+1, हाँ 2k+1 के फॉर्म में है, वेयर t इज एनी इंटीजर, ठीक है, आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हमने बोल दिया दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर एंड देयर फोर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, किसी भी इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन बोला गया है लैंग्वेज वाइज, जिसमें क्या बोला गया है, एन आर्मी कॉन्टीगेंट ऑफ 616 मेंबर, एक ग्रुप है पूरा 616 लोगों का, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, 32 मेंबर के बिहाइंड क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, क्या बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग HCF फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन की बात करी जा रही है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। तो 616 क्या है यहाँ पर, 616 और 32 इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 + 19 + 8, 8 × 4 + 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, अगर हम कॉमन की बात करें, ठीक है, 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 × 19 + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 32 × 19 + 8। तो जब भी आपसे मैक्सिमम की बात करी जाए, जब भी आपसे मैक्सिमम की बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, जब भी आपसे मैक्सिमम की बात करी जाएगी आप क्या करेंगे वहाँ पर HCF, क्या करेंगे आप हमेशा वहाँ पर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, HCF 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, HCF 8 आ रहा है। यहाँ पर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे गए थे, समझ में आ रहा है कि 616 लोग थे, 32 क्या थे, मेंबर थे, एक परेड में 32 का पूरा एक आर्मी बैंड था, तो क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए आपसे क्या बताया गया है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m+1, 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए यहाँ पर भी वैसी ही बात करी गई है जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, a को ऐसे ही लेट कर देते हैं, ठीक है, a को हमने क्या कर दिया, ऐसे ही लेट कर दिया, b की वैल्यू क्या बोल दी, 3। अब आप सोच रहे होंगे कभी b की वैल्यू 3 कभी 6 बोल देते हैं जो मन होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू 3 ही आ रही, तो हमने b की वैल्यू क्या बोल दी, 3 बोल दी। अब आप बताइए अगर b की वैल्यू 3 है, हमने क्या कर दिया, b की वैल्यू अगर हमने 3 बोल दी तो r क्या होगा, r 0 से 3 के बिटवीन में होगा, होगा कि नहीं, r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक है, 3 नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं a क्या क्या आ जाएगा, a आ सकता है 3q, a क्या आ सकता है 3q, 3q+1 और 3q+2 आ सकता है, लेकिन इन नंबर्स की बात नहीं करी गई है, ठीक है। नंबर की अगर बात करी जाती तो हम यहाँ से बता देते, समझ में आ रहे हैं कि किस फॉर्म में होगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इनके स्क्वायर की बात करी गई है, समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन सुन लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, 3m+1 और सम इंटीजर, ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है, लेकिन उसके स्क्वायर की बात करी गई। हमने 3q का स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, 9q², जिसे हम ये भी बोल सकते हैं 3 × 3q². इस स्टेप को देखिए, हम इसे क्या बोल सकते हैं, 3 × 3q² बोल सकते हैं, ठीक है। 3q² क्या है, एक टाइप का इंटीजर है, तो उसे हम 3 × k बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, k। इसी तरीके से 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3q² + 2q आया, वो भी एक टाइप का इंटीजर है जिसे हम k2 बोल सकते हैं, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, 3k2+1,
समझ में आ रहा है। इसी तरीके से स्क्वायर करने पर यहाँ पर भी, तो हम लोग देख रहे हैं ये किस फॉर्म में आया है। देखिए ये कौन सा फॉर्म है, ये 3m+1 का फॉर्म हुआ, ठीक है, ये 3m+1 का फॉर्म हुआ, ये भी 3m+1 का फॉर्म हुआ, ये 3m का फॉर्म हुआ। क्वेश्चन में यही बोला गया था, ठीक है, कि स्क्वायर करने पर किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m+1 और 3m के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये एक 3m का फॉर्म आ रहा है और 3m+1 का, 3m का फॉर्म आया, 3m+1 के फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये 3m+1, 3m+1 और 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर K1, K2, K3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर। K1, K2, K3 क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर थे। इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। इसके पहले स्क्वायर बोला गया था और इस क्वेश्चन में क्यूब बोला गया है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। यहाँ पर क्यूब करना है, क्यूब करना हो, स्क्वायर करना हो, फोर करना हो, कुछ भी ना करना हो, आपको तो पता ही है ना। आप सबसे पहले क्या करो, ए लेट कर दो, क्या कर दो, ए लेट कर दो। अब आप बताइए आप यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, ए की, ए को क्या कर दिया, लेट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यूब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्यूब प्रूफ करना है हम लोगों को। तो हम यहाँ पर क्यूब की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 कॉमन करेंगे, क्या कर देंगे, 9 कॉमन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बचेगा, क्वेश्चन में तो 3 ही बचेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 3 करेंगे। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर 9 है तो बी की वैल्यू 9 पुट करना चाहिए, नहीं, हम तो 9 तो हम कॉमन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू क्या बोल दी, 3। ए हमने ऐसे ही लेट किया। अब आप बताइए अगर बी 3 है, बी की वैल्यू 3 है, तो क्या क्या आ सकता है, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, समझ में आ रहा, 1 होगी और 2 होगी। हमने बोल दिया ए इज इक्वल टू 3q है, 3q+1 है और 3q+2 है। अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 चेक करते हैं और इनका क्या करना है, क्यूब करना है, क्या करना है, इनका क्यूब करना है। तो आप बताइए 3q का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27q³ आएगा, क्या 27q³। अगर हमने 9 कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, हमने 9 कॉमन कर दिया, तो ये क्या आ गया, 3q³, ठीक है। तो इसे हम 9 times m बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 9 times m, वेयर m इज इक्वल टू 3q³, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट, 3q+1 का क्यूब कर दिए, क्या कर दिया हमने, 3q+1 का क्यूब कर दिया, इस तरीके से आ गया, इसे हमने m बोल दिया, ये 9m+1 के फॉर्म में आ गया। 3q+2 का भी हमने क्यूब कर दिया, इसे भी हमने क्या बोल दिया, a क्यूब के फॉर्म में बोल दिया, ये a क्यूब आया पूरा 9m+8। तो देखिए इस तरीके से 9m+ के फॉर्म में आ रहा, 9m+1, 9m+8, ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्म में आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं 9m के फॉर्म में आया। भाई ये इसे अगर हम m बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3q³ है ये एक इंटीजर है। अब आप कहेंगे नहीं इंटीजर नहीं, ये 3q³ है। हमने कहा q क्या है भैया, q क्या है, व्हाट इज q, q एक नंबर ही तो है, ठीक है। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं, a इज इक्वल टू bq+r। तो अगर आप यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो गया, 3। q की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 8 3 24। तो हम तो कहेंगे q³ जो है ना ये इंटीजर है और इंटीजर को हम m बोल सकते हैं, तो 9m के फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन में भी बोला गया था 9m, बोला गया था कि नहीं, अब आप कहोगे क्वेश्चन में 9m+1 बोला गया था, तो हमने 9m+1 भी तो कर दिया, 9m+8 भी कर दिया कि नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गए, 33 मिनट भी हो गए, ठीक है। फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं एक्सरसाइज 1.1 हो गई तो आप कह दो कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट ना आप करेंगे ना हम करेंगे, पानी पी सकते हो बस, ज़्यादा से ज़्यादा और कहीं नहीं जाना, ठीक। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करो, चलो ठीक, 1.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब आप कहेंगे कि नंबर को क्या किया जा रहा है, प्राइम फैक्टर में चेंज करने के लिए बोला गया। तो आप याद करिए जब थ्योरी बताई जा रही थी तो आपसे ये बताया गया था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जिसमें हमने यही बताया था कि हम नंबर को क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर में चेंज करना कोई बहुत ही टफ काम नहीं, आसान सा काम है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। देखिए जैसे 140 बोला गया, 140 3825, तो इसे 2 into 2 into 5 into 7 लिख सकते हैं, ठीक है।
इसे 3825 को, ये एक सेकेंड, सेकेंड 156 को 2 × 2 = 3 × 13 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3825 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। 5005 को 5 × 7 = 11 × 13 लिख सकते हैं। 7429 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आपसे हमने एक फार्मूला आपको बताया था, एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेकिंग करना है, ठीक। चेकिंग करने के लिए भेज दिया गया कि आपको जाओ पता लगा कि 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है वो 26 और 91 के प्रोडक्ट जो है वो 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। हम लोग चल दिए, हम कहें चलो पता लगा के आते हैं तुरंत अभी, ठीक, दो मिनट में पता लगा के आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 26 और 91 है और 510.92 है और 336 और 54 है, ठीक है। यहाँ पर ये शायद मिस हो गया है, ठीक है, हम देखते हैं 336 और 54, ठीक। देखिए 336 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर दिया, 54 का फैक्टर कर लिया। एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 6 आ रहा है, ठीक। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ गया 3024। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 18144, ठीक है। कितना है, 18144। और नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था 336, पहला नंबर क्या था 336, दूसरा क्या था 54। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है जो उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट वही आ रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इस तरीके से वेरीफाई होता है कि ये फार्मूला क्या है, सही है, ठीक है। तो ये तीनों आप चेक कर सकते हो, जो दोनों का मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 है, 15 है, 21 है, तीनों को हमने फैक्टर कर दिया। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 3 है, 3 इन दोनों में भी आया है और 3 इसमें भी आया है, तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो सीख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने पहले जो 3 कॉमन था उसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब 3 कॉमन लिखने के बाद इस 21 के फैक्टर में क्या बचा, 7 बचा ना, हमने 7 को लिख दिया। 15 के फैक्टर में क्या बचा, 5 बचा, हमने 5 को लिख दिया। इसमें क्या बचा, 3 को लिखने के बाद 2 × 2 बचा, हमने उसे भी लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका एलसीएम पता कर लिया और एचसीएफ भी पता कर लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 1 × 17, प्राइम है। 23 को लिख सकते हैं 1 × 23, 29 को क्या लिख सकते हैं 1 × 29, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और एलसीएम की जब बात करें तो एलसीएम में 1 के अलावा क्या क्या बचा, 29 बचा, 23 बचा, 17 बचा, तीनों को लिख के मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे। 8, 9, 15 की बात करें, 8 को क्या लिख सकते, 2 × 2 × 2 लिख दिया। 9 को क्या लिख सकते, 3 × 3 लिख दिया, ठीक है, 3 स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते, 5 स्क्वायर। एच सी एफ की बात करी जाए ना तो एच सी एफ क्या है, एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ क्या है, 1, तीनों में क्या कॉमन है, 1। एल सी एम की बात करी जाए तो अब हम सब में चेक करेंगे क्या बचा हुआ है, ठीक है, तो 2³, 3, 3² × 5² कितना आ गया, 1800, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आसानी से आपको करना है ये क्वेश्चन और याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला गया है, गिवन दैट एचसीएफ दिया गया है,
क्या दिया गया है, एच सी एफ दिया गया है 306 और 657 का, 306 और 657 का एच सी एफ दिया गया है। 9 फाइंड करना है एलसीएम। अब आप जानते हैं, यू नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एंड यू नो दैट, एलसीएम और एच सी एफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, अगर हमें एलसीएम पता करना है तो नंबर का प्रोडक्ट कर लो और एच सी एफ से डिवाइड कर दो। नंबर है 306 और दूसरा नंबर क्या है 667, और एच सी एफ तो हमसे क्वेश्चन में गिवेन ही है ना 9। एच सी एफ कितना गिवेन है क्वेश्चन में 9, तो हम लोग बता देंगे आसानी से, इसे कैलकुलेट करके नंबर को क्या कर देंगे प्रोडक्ट करके एच सी एफ से डिवाइड कर दिया हमने और बता दिया 22,338 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम आपको बता दें, जीरो की जब भी बात करी जाए ना, जीरो पता किससे बना है, जीरो बना है 2 और 5 से। जहाँ जहाँ 2 और 5 होंगे वहाँ 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 10, समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब देखिए 2 × 5 क्या था, 10 था, समझ में आ रहा। हमने 1 2 मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अभी 0 नहीं बढ़े, क्यों, क्योंकि हम फिर से सुनो, हमने कहा कि 0 कैसे आते हैं 2 और 5 से, 2 के आने से 0 नहीं आया था, हमने कहा चलो भाई एक 5 मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब जैसे हमने 20 में 5 मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया 100, 0 बढ़ गया। इसका मतलब 0 कैसे बढ़ता है, 0 2 और 5 दोनों के होने की वजह से बढ़ता है, ना 2 से बढ़ेगा अकेले, ना सिर्फ 5 से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर 6 है, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आता है, लेकिन 0 तो 2 और 5 से बनता है, इसीलिए यहाँ से 0 नहीं बन सकता। 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। 6n के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3, और हमने बताया 0 2 से नहीं बनता, 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होंगे तभी क्या होगा 0 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं 6n कैन नॉट इंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कह रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्या बोल दिया, पहले नंबर को हम बोल सकते हैं 7 × हम यहाँ पर 13 कॉमन कर सकते हैं, दोनों तरफ 13 है। ठीक है, पहले में आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों में 13 है, हमने 13 कॉमन कर दिया, तो क्या बचेगा 7 × 11, दूसरी साइड 1। 7 × 11 क्या है, 11 × 7 = 77, और प्लस 1 क्या है, ये कितना हो गया 77, और ये क्या है प्लस 1 है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरे में होगा, इधर से भी ब्रैकेट होगा, तो कितना आ जाएगा 78। अब देखिए 13 × 78 है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 13 × 78 है, दोनों ही क्या है प्राइम है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 13 × 13 × 6। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, कंपोजिट नंबर है, तो यही आपको प्रूफ करना है, तो हमने इसे क्या लिख दिया 13 × 13 × 6। ठीक है, तो 6 और 13 क्या है, ये कंपोजिट ही तो नंबर में हमने चेंज कर दिया भाई, इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये क्या कर दिया 13 × 13 × 6 ये कंपोजिट नंबर में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। ठीक, यहाँ पर इट इज़ अ कंपोजिट 7, 6, 5, 3, 2, 1, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 5 कॉमन कर दिया। देखिए ये एक साइड ये अलग है और प्लस के इस साइड अलग है, हमने 5 कॉमन कर दिया, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 1008 + 1 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1009। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर गिवेन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009। 1009 एज इट फैक्टर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट में हमने चेंज कर दिया, 5 को कर दिया इसके फैक्टर बता दिया, 5 को क्या कर दिया यहाँ पर फैक्टर बता दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड इस पार्ट, अराउंड दिस पार्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। ड्राइविंग चल रही है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्राइविंग, सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड।
ठीक है, कोई सानिया है, हमने बोल दिया वो एक राउंड लगाने में कितना मिनट लेती है, सानिया 18, कितना मिनट, 18 मिनट, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना टाइम बताया गया है, 18 मिनट, ठीक, 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल्ड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है। और देखिए जो रवि है, रवि के लिए कितना बताया गया, 12, रवि के लिए कितना बताया गया, रवि भी ऐसे राउंड मारता है और कितना है टाइम, 12 है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 12। अब देखिए बताया गया कि दोनों कब आकर मिलेंगे, ठीक है, दोनों के लिए बोला गया है कि वो दोनों कब एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम की बात करी जा रही, क्या बात करी जा रही, एलसीएम की। देखिए 18 पे उसका एक राउंड हो गया, 36 पे उसका दूसरा राउंड हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 12 की, रवि की अगर बात करें, तो रवि 12, 24 और 36, उसके तीसरे राउंड में 36 आएगा और सानिया के दूसरे ही राउंड में 36 आएगा। तो ये दूसरे तीसरे जो हम बात कर रहे हैं, इसी को हम फैक्टर बोल सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 36, समझ में आ रहा है। एलसीएम क्या होता है, एक छोटा से छोटा फैक्टर होता है जो क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो, दोनों में आ जाए, समझ में आ रही बात। कि इतनी अगर रवि और सानिया की बात करें, तो हम आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछें कि रवि और सानिया कम से कम कितनी दूरी पर मिल जाएंगे, तो 18 अगर बात करें, 18 की, ठीक है, 18 मिनट की अगर हम बात करें, तो 18 मिनट में उसका पहला राउंड पूरा हुआ सानिया का, लेकिन अभी रवि कहाँ पर है, रवि कम ही दूरी पर, क्योंकि वो 12 मिनट हुए हैं उसको चले हुए, समझ में आ रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट, तो पीछे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 18 के बाद कितना आ जाएगा, 36, 36 जैसे ही हुआ, सानिया से रवि ने कहा कि तुम रुक जाओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि हमें तो 12 मिनट लगे, हमें थ्री थ्री टाइम्स 12 12 कंप्लीट करना होगा ना, तो रवि क्या हुआ, 3 बार उस गोले को राउंड किया, उसका भी 36 हो गया और सानिया ने भी 36। तो इसी को बोलते हैं एलसीएम, कि 36 क्या है, यहाँ पर एक छोटा से छोटा ऐसा ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 1.3 है, क्या है यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.3 है, यहाँ पर प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, प्रूफ दैट रूट फाइव इज नॉट इरेशनल, रूट फाइव इज नॉट इरेशनल, रूट फाइव एक इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, क्या है, रूट फाइव इज इरेशनल, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव इरेशनल है। हमने कहा कि इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब अपोजिट से, हमने कहा कि रूट फाइव रेशनल है, हमने क्या कहा, रूट फाइव रेशनल है, रूट फाइव रेशनल होने के लिए हमने क्या बोल दिया, रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं का मतलब कि वन है, वन को हम नहीं मानते अदर देन वन, ठीक है, क्या बोल दिया, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो ए इज इक्वल टू रूट फाइव बी स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए फाइव बी स्क्वायर है, इसकी मीनिंग क्या है, जो बी है वो फाइव से डिविजिबल है, बी क्या है, फाइव से डिविजिबल है, अगर बी फाइव से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, अगर ए फाइव से डिविजिबल है तो हम ए को लिख सकते हैं फाइव टाइम्स समथिंग, फाइव टाइम्स टी लिख दिया, 5t इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको, इट मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है, हेंस b इज आल्सो, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से देखिए t स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है और b तो पहले से ही 5 से डिविजिबल था भाई, यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया आपसे 55 से डिविजिबल है, क्योंकि आप जानते हैं वो 50 × 10 है, ठीक है, 50 में आपको 5 दिख रहा है, इसी तरह 5t स्क्वायर में आपको 5 दिख रहा है, और जब दिख ही रहा है तो उससे डिविजिबल हो गई, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर t क्या है, 5t स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और b स्क्वायर तो पहले ही हम प्रूफ कर चुके थे, समझ में आ रहा है आपको, a एंड b दोनों हम इस तरीके से बोल सकते हैं भाई, 55 से डिविजिबल होने का मतलब a भी है, a तो 5 के टर्म में ही आ गया, मतलब ए और बी दोनों क्या है, फाइव के फैक्टर हैं,
फाइव उनमें क्या है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो बोला था कोई फैक्टर ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो बोला था वो गलत बोला था। हम यही चाहते ही थे कि हम जो बोले हैं गलत हो जाए, क्योंकि हमने रेशनल बोला तो हम चाहते थे कि रेशनल आ जाए, तो हमारी बात गलत हो गई। ठीक है, अच्छा लगा कि हमारी बात गलत हो गई, हम तो रेशनल चाहते थे, और यहाँ पे हमने बोला था कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ पे फाइव कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, तो हमारी बात गलत हुई, क्वेश्चन प्रूफ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि रूट फाइव इरेशनल है। समझ में आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मैथड। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, तो थ्री प्लस टू रूट फाइव को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल बोल देते हैं, ए और बी के इक्वल कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, ए और बी के इक्वल कर दिया, थ्री को इस तरफ माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि टू रूट फाइव, रूट फाइव जैसा एक तरफ रहता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, वन बाई टू टाइम्स ए बाई बी माइनस थ्री। ठीक है, तो इसे आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में किया, रूट फाइव को क्या किया, रेशनल मान लिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि आपसे बोला गया है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए वन बाई रूट टू बोला गया है सबसे पहले, ठीक है, सेवन रूट फाइव, तो वन बाई रूट टू को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट टू क्या होगा, बी बाई ए। बी बाई ए इज़ अ रेशनल एज ए एंड बी आर इंटीजर। रूट टू इज रेशनल विच कॉन्ट्रेडिक्ट टू फाइंड फैक्ट रूट टू इज इरेशनल एजम्पशन इज फॉल्स, वन बाई रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल होता है। तो जब रूट फाइव इरेशनल होता है तो उसी तरीके से रूट टू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रूट फाइव इरेशनल तो रूट के सभी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। ठीक है, यहाँ पर सेवन रूट फाइव की अगर बात करें तो सेवन रूट फाइव को हमें प्रूव कर रहा है इरेशनल, वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो हम सेवन रूट फाइव को हमने क्या लिख दिया, ए बाई बी के इक्वल लिख दिया। तो रूट फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई सेवन बी। ए और बी यहाँ पर दो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, को प्राइम इंटीजर हैं। समझ में आ रहा है, ए और बी को हम बोल सकते हैं कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो रूट फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई सेवन बी। रूट फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बाई सेवन बी आ जाएगा। ठीक है, इज़ अ रेशनल एज ए एंड बी आर इंटीजर, देयरफॉर रूट फाइव शुड बी रेशनल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने रूट फाइव को क्या किया था, कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से इरेशनल प्रूव किया था, उसी तरीके से यहाँ पर रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, रूट फाइव आ गया। तो इसका मतलब ए बाई सेवन बी भी इरेशनल है। समझ में आ रहा है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। लास्ट देखिए क्या यहाँ पर है, सिक्स प्लस रूट टू। सिक्स प्लस रूट टू को हमने ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, रूट टू क्या आ गया, ए बाई बी माइनस सिक्स। ये क्या आ गया, ए बाई बी माइनस सिक्स। ए बाई बी माइनस सिक्स इज ऑल्सो रेशनल, लेकिन रूट टू क्या है, इरेशनल है। समझ में आ रहा है, रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से क्या बोल सकते हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल होगा। देखिए रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस सिक्स हो गया, रूट टू क्या है, इरेशनल है, आप जानते हैं, आप प्रूव कर चुके हैं। तो ये इस तरफ ये भी पार्ट इरेशनल होगा, लेकिन हमने इसे क्या माना है, रेशनल माना है, मतलब ये गलत है। तो इसकी मीनिंग सिक्स प्लस रूट टू भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आपने जो सबसे पहले हमने आपको बताया उसे आप जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि हमने बताया था कि डिनोमिनेटर जब 2 और 5 के फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 1.4 में पहला, विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अगर रेशनल होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेशनल होगा तो क्या कर जाएगा, अगर रेशनल होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। रिपीट कर गया तो भी रेशनल है, अगर टर्मिनेट कर गया तो भी रेशनल है। तो देखिए सबसे पहला आपसे बताया गया है 13/3125, तो 3125 आप जानते हैं 5 की पावर 5 होता है। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 के फॉर्म में है, तो कैसा है, टर्मिनेट कर गया।
ठीक है, 17/8 है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2^5 की फॉर्म में है, तो क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। समझ में आ रहा है आपको। थर्ड क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 455, ठीक है, डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 4, 7, 13 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4, 7, 13 आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, 4, 7, 13, तो यहाँ पर 2 और 5 के, 2 तो है क्योंकि 4 है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया ना, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या है, 1600 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर 343 है, ये तो आपको याद ही होगा, बचपन से ही 7 का क्यूब है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2 और 5 है लेकिन 7 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देना है कि जो एक्स्ट्रा है कहीं वो न्यूमरेटर से कैंसिल तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर 7^5 है, ये 129 है, कभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो किस टाइप में आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए 6/15 है, समझ में आ रहा। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते, यही बात मैं आपसे बोल रहा था, यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि डिनोमिनेटर में 15 है, आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5 और 3 है, आप यहां पर ये नहीं बोल सकते डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, क्योंकि 3 तो न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो गया, 2/5 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 हो गया, टर्मिनेट कर गया। समझ में आ रहा है आपको, टर्मिनेट कर गया। ये 35/50 है, ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, 7/10, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 भी है 5 भी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 है, 1 सेकेंड, ये नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 भी है, तो ये किस टाइप में आ जाएगा, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 है, क्या है, 30 है, तो आप देख सकते हैं 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिखेंगे ना, 10 को हम ये, 30 को हम ये लिख सकते हैं फाइनली, 3 × 2 × 5। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, 5 भी है 2 भी है, लेकिन ये है ना, 3 है साथ में, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रहा है आपको, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन सेकंड जो बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, इसी से रिलेटेड, फर्स्ट से ही। यहाँ पर लास्ट जो 10 था, 77/210, ये भी नॉट टर्मिनेटिंग है ना, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। क्वेश्चन जो सेकंड है, आपसे देखिए क्या बोला गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले में ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग थे, कैसे थे, जो टर्मिनेटिंग थे, उनका हमें क्या बताना है, बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होती है, आप सीख लीजिए, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहला क्या है, 13/3125, ठीक है, डिनोमिनेटर में टोटल कितने 5 है, 5 है ना, हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 5/2 भी कर दिया। ठीक, अब डिनोमिनेटर में किया है तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। अब आप एक बात बता दें आपको, डिनोमिनेटर में 5 कितने थे, 5, हमने 2 इसलिए 5 कर दिए क्योंकि जब 2 5 5 5 के साथ मिलेंगे तो ये 5 0 बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, 1 5 है यहाँ पर, क्या है, 1 5, हमने कहा हे 2 चलो तुम 5 के पास जाओ, तो क्या करेगा, 5 के पास 1 0 बना देगा ना। अगर कहीं पर 2 5 हैं, कितने 5 हैं, 2 5 हैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने उसके पास अगर 2 2 भेज दिए, क्या भेज दिए, 2 2, तो 2 2 4 5 5 25 कितना बना देगा, 100, 2 2 भेजने से 2 0 बना रहा है कि नहीं, 1 2 भेजने से 1 बनाया था। समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जब हमने देखा 5 हैं 5, तो हमने 5 बार 2 भी भेज दिए, 2^5, जिससे वो क्या बना दे, 5 बार 0 बना दे, और न्यूमरेटर में भी करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 10^5, और जब डिनोमिनेटर में 10^10 में रहता है, न्यूमरेटर 416 आया, तो 416 को हम आसानी से 10^5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है 17/8, नेक्स्ट क्या बोला गया है, 17/8, डिनोमिनेटर में 2 कितने हैं, 3, जितने 2 हैं उतने ही 5 कर दो, जिससे क्या हो, 0 बन जाए, 2 थे 3, हमने 5 भी कर दिए 3, तो क्या हो गया, 10^3, और न्यूमरेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी कोई बात ही नहीं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ही नहीं,
अब नेक्स्ट की बात करें तो कितना है 15/16। 1600 की अगर बात करें तो दो कितने थे, छः, और पांच कितने थे, एक। अब अगर पांच एक है, दो छः हैं, तो हम कितने पांच, हमें छः चाहिए, एक तो पहले से ही है क्योंकि जी दो छः हैं, दो कितने हैं, छः हैं, तो और पांच कितना है, एक। तो एक पांच क्या करेगा, एक दो के साथ मिलकर 10 बना देगा, 0 बना देगा। लेकिन अभी कुछ दो बचे हैं, कितने, पांच, दो बचे हुए हैं, उनके साथ कोई मिलके 0 नहीं बना रहा, तो हमने 5 बार और मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 की पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। न्यूमरेटर में 937.75 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 आ जाएगा तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर भी इसी तरीके से हम देखते हैं दो कितने हैं, तीन, पांच कितने हैं, दो, पांच दो हैं, दो तीन हैं, दोनों को बराबर करना है ना, तो हमने एक और पाँच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में 3 करेंगे हम लोग, आया ना समझ में। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 था, तो हमने क्या कर दिया, 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी कोई बात ही नहीं क्योंकि ये क्या है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आ रहा है। यहाँ पर 6/15 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही 5 है, समझ में आ रहा है, एक 5 और क्या था, 3 था। इसे तो हम लोग ऐसे ही सिंपल से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, 35/50 क्या है, 35/50 है। यहाँ अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पर तो पहले से ही 10 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 × 5 × 5 हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल, 7/10 0.7। और ये लास्ट जो है ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसर एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और नॉट इफ दे आर रेशनल एंड आर द फॉर्म पी बाई क्यू, वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से नंबर रेशनल और इरेशनल हैं और उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में बताना है। इट इज़ अ रेशनल नंबर, आप द पहले की अगर बात करें तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, ये क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद जाकर रिपीट कर दिया गया। अगर हम प्रॉपर्टी क्यू की बात करें तो वो 2 और 5 के फैक्टर में होनी चाहिए किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए। सेकंड की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा, यहाँ पर पहले 120 आया, फिर 2 जीरो बढ़ गए, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, तो ये नंबर कैसा होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर तीसरे की बात करें तो वो भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है, और अगर रिपीटिंग है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर की बात करें तो डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, रियल नंबर। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास 10th के जो भी लोग हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि एक ही वीडियो में वो लोग इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू क्लास।